बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य एक बार फिर विवादों में छा गए हैं। गणेश आचार्य पर एक महिला कोरियोग्राफर ने आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि गणेश उन्हें एडल्ट वीडियोस देखने के लिए फोर्स करते थे, साथ ही इनकम में से कमीशन की मांग भी करते थे। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड की जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य इन दिनों नेगेटिव न्यूज की वजह से काफी लाइमलाइट में हैं। 33 साल की महिला कोरियोग्राफर ने बॉलीवुड और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी गणेश आचार्य पर गंभीर आरोप लगाया है और उनके खिलाफ राज्य के महिला आयोग और अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। 33 साल के इस महिला कोरियोग्राफर का कहना है कि गणेश आचार्य कमीशन की मांग करते हैं और एडल्ट वीडियो देखने के लिए मजबूर करते हैं। इससे पहले भी वेटरन आर्ट्स डायरेक्टर और कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी गणेश आचार्य पर कई आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। खैर, ये आरोप सही है या गलत इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, पर इन आरोपों की वजह से टॉक ऑफ द टाउन गणेश आचार्य बने हुए हैं। गणेश आचार्य बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने गोविंदा से लेकर जैकलिन तक कई सुपरस्टार्स को अपने सर पर थिरकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।